पूरी दुनिया में उपलब्ध कुल जल में महज 0.6% पानी ही हमारे पीने लायक है। यह पानी हमारी नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में ही मौजूद है। बावजूद इसके इस वक्त हमारे जल स्रोत जबरदस्त औद्योगिक प्रदूषण के शिकार हैं। इसका खामियाजा जल संकट और बीमारियों के रूप में आम लोग झेल रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण के कारण धीरे धीरे नदियों, तालाबों, झीलों और टैंकों में उपलब्ध पानी खतरनाक रसायनों के मिश्रण का घोल बन रहा है। अगर ये कहा जाए कि घूंट घूंट में जहर है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के एक अध्ययन के मुताबिक देश की 323 नदियों के 351 हिस्से बेहद प्रदूषित हैं। इसके अलावा 17% जल निकाय गंभीर तरीके से प्रदूषित हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक औद्योगिक जल प्रदूषण की शिकायत एक जैसी हो चली है। जहां दक्षिण की नदियां और जल निकाय तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश व गुजरात में औद्योगिक प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि नदी, तालाब, झील और टैंक तेजी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। इनके प्रदूषण की प्रमुख वजह भी गंभीर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग ही हैं। उत्तराखंड से चलकर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का सफर तय कर बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा भी जगह जगह औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण की शिकार है। तकरीबन 2500 किलोमीटर की लंबाई में 50 से अधिक हिस्सों में गंगा प्रदूषित है। वहीं सरकार की ओर से बड़ी धनराशि खर्च करने का दावा किए जाने के बावजूद गंगा के प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। उल्टे गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रदूषण का दबाव भी बढ़ गया है। नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए सीवेज शोधन संयंत्रों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है और न ही वे खतरनाक औद्योगिक प्रदूषण का उपचार कर पाने में सक्षम है। एक तरफ जल स्रोत सिकुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक गंभीर प्रदूषण फैलाने वाली करीब 11% औद्योगिक इकाइयां नियमों का पालन भी नहीं कर रही हैं। झारखंड में 87% और पंजाब में 60% गंभीर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां बिना किसी शोधन के अपना कचरा नदियों में गिरा रही हैं। देश में गंभीर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2497 है। इनमें से 11% इकाइयां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। वहीं 84% औद्योगिक इकाइयां अकेले 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मौजूद हैं। ऐसी कोई भी औद्योगिक इकाई जो रोजाना 100 किलोलीटर औद्योगिक अपशिष्ट की निकासी करती हो या फिर पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत अधिसूचित खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भंडारण या आयात करती हैं, तो उन्हें GPI यानी ग्रॉस पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। और इन ग्रॉस पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की वजह से भारत में जल स्रोतों के अब प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।